व्हाट्सअप माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सुक्राल फैट एंड ऑक्सीटासिन सस्पेंशन के बारे में। गाइज, इसका यूजेस क्या है, ये डॉक्टर क्यों पेशेंट्स को रेकमेंड करते हैं, इसका बेनिफिट्स, इसके साइड इफेक्ट्स, सारा कुछ चीज़ें ये वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गाइज, क्योंकि मैं आपके लिए हमेशा ही ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस सिरप के कंपोजिशन है गाइज सुक्राल फैट, ईच 10 ml में आपको मिलेगा 1 ग्राम सुक्राल फैट एंड 20 mg ऑक्सीटासिन। और गाइज, आपको किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो भी आपको अवेलेबल होता है मार्केट में, या जो भी आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं आप उसी ब्रांड को लीजिए। और सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका यूजेस, बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट क्या होता है, क्योंकि ऐसे बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है, उनके घर में बहुत सारा दवाइयाँ पड़ा रहता है तो वो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ खा लेते हैं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं गाइज। इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि हमेशा ही डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद, डॉक्टर की एडवाइस के बाद ही सारा कुछ चीज़ों को ले, और उसके बारे में पूरी जानकारी, नॉलेज आपको होना चाहिए। इसलिए मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली ये जो मेडिसिन है इसके यूजेस क्या है, और ताकि आप गलत फहमी में ना पड़े और उल्टी सीधी मेडिसिन का यूज ना करें। तो गाइज, ये जो सिरप है, ये जो सस्पेंशन है गाइज, ये मेनली यूज होता है एसिडिटी के लिए, स्टोमक अल्सर के लिए, हार्ट बर्न के लिए, ये आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। जब भी क्या होता है ना गाइज, बहुत ज़्यादा एसिड हो जाता है, हाइपर एसिडिटी, जिसकी वजह से हमारे जो स्टोमक है उसमें अल्सर हो जाता है और हमको हार्ट बर्न कभी कभी होता है, खट्टी डकार आता है और हमारे पेट में गैसेस बन जाते हैं। और अल्सर वगैरह की अगर प्रॉब्लम है स्टोमक की, अगर पेन हो रहा है स्टोमक में अल्सर की वजह से, और इरिटेशन भी होता है, उस केस में भी ये आपको मदद करता है और आपकी जो स्टोमक है उसमें जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने में आपको ये मदद करेगा गाइज। और स्टोमक में बहुत ज़्यादा गैस बनने की वजह से उस गैस को ईजी पास करने में भी ये आपको मदद करता है गाइज। और गाइज, इसमें जो ऑक्सीटासिन है, ऑक्सीटासिन क्या है गाइज, एक एंटासिड है, और इसको गाइज मेनली गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम, पेप्टिक अल्सर डिजीज, हार्ट बर्न, एसोफागिटिस, ऐसे ही प्रॉब्लम्स को ठीक करने में आपको मदद करेगा, उसमें आपको हेल्पफुल होगा गाइज। जब भी आपको गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम होता है, जिस पेशेंट्स को, जिसके वजह से गाइज उनकी स्टोमक में पेन होता है, और बहुत ज़्यादा एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है गाइज, हम हमेशा ही सोचते हैं कि ये क्या बीमारी छोटा मोटा है, लेकिन गाइज ये जो बीमारी एक बार अगर ज़्यादा हो गया तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। और एसिडिटी भी गाइज, हाइपर एसिडिटी बहुत ही एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, अगर आप इसकी सही नॉलेज, अगर आपको इसके बारे में नहीं है, अगर आप इसको खामोखा ऐसे ही ले रहे हैं कि गैस्ट्रिक वगैरह क्या है, इससे क्या हो जाएगा, तो गाइज मैं आपको बता दूं, जिसको होगा उसको ही मालूम होगा कि ये कितना बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। और इसीलिए गाइज अपनी खाना वगैरह को सही तरीके से खाइए, ओवर ईटिंग कभी भी मत कीजिए, उल्टी सीधी चीज़ों को ना खाइए, ज़्यादा फास्ट फूड, ऑयली फूड और बाहर के जंक फूड को थोड़ा अवॉइड कीजिए, क्योंकि गाइज एक बार अगर आपको ये हो गया तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और गाइज, ये सिरप को कैसे लें, तो गाइज मेनली डॉक्टर जैसे ही रेकमेंड करते हैं आप उसी तरीके से लीजिए, डॉक्टर की एडवाइस को मानिए और उनकी प्रेस्क्रिप्शन एडवाइस के हिसाब से, जैसे कि डॉक्टर मेनली रेकमेंड करते हैं कि 2 आवर्स आफ्टर ए मील और 1 आवर बिफोर ए मील आप इसको ले सकते हैं। और एवरीडे आप इसकी टाइमिंग को याद रखिए, उस टाइमिंग के अंदर ही आपको इसको लेना है, उसको ही फॉलो करना है गाइज। तो गाइज हमेशा ही ये मेडिसिन को बच्चों से दूर रखें। और गाइज इसकी बात करते हैं अभी साइड इफेक्ट्स की, इसके साइड इफेक्ट जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमक अपसेट्स, इचिंग, रैश, डिजीनेस, अगर आपको कुछ भी साइड इफेक्ट होता है तो तुरंत ही डॉक्टर के साथ कंसल्ट कीजिए, उनको बताइए कि आपको ये सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, और फर्दर ट्रीटमेंट के लिए उनसे कंसल्ट करिए गाइज। और गाइज हमेशा ही इसको जब भी आप ले रहे हैं उस टाइम पे आप ज़्यादा फाइब्रस फूड को खाइए,
और ज़्यादा पानी पीजिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम से राहत हो। अगर आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट होता है तो डॉक्टर के साथ कंसल्ट जरूर करें गाइज। तो आई होप गाइज मैंने आपको जितना भी चीज़ें इसके बारे में बता दिया है ये छोटा वीडियो में, अगर और भी कोई रह गया है तो आप मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आगे भी इसी तरह हेल्पफुल वीडियो आपको मिलता रहे। और टेक केयर गाइज, आई लव यू ऑल, स्टे फिट।